तो ये कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद करना बिल्कुल ही जरूरी है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कम से कम आज मैं हंड्रेड फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है आपको दूंगा ध्यान से देखिए इसे लिखिए और याद जरूर करिएगा ओके पहला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला एच टू एसओ फोर नाइट्रिक एसिड यी H3PO4, फार्मिक एसिड एच सी डब्लू एच ओके एसिड सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच एसिटिक एसिड लैक्टिक एसिड ये जो मालिकुलर फॉर्म में है तो सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री मतलब कार्बन और ऑक्सीजन तीन तीन और हाइड्रोजन इसके दोना है लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखेंगे तो कार्बन बीच में लगा दो एक साइड एच दूसरे साइड ओ एच और ऊपर जो मेथिल है नीचे सी डब्ल्यू एच ओके ये हमारा लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है अच्छा C2O4H2, या सी डबल ओ एच सी डब्ल्यू एच दो बार होता है तो लैकजेलिक एसिड होता है ओके टार्टरिक एसिड टार्टरिक एसिड सी फोर एच सिक्स ओ सिक्स सी फोर यच सिक्स ओ सिक्स लेकिन इसका ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं ये जो यहां पर जितने पॉइंट है ये सी सी है मतलब कार्बन कार्बन एक एच ओ एच इधर एच ओ एच और ऊपर और नीचे सी डब्ल्यू एच लगे होते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो टार्टरिक एसिड का होता है फार्मूला अब बात हम लोग करेंगे बेंजोइक सी सिक्स एच फाइव सी एच एसिड बोरिक एसिड एच थ्री बीओ थ्री बोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएओएच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच कैल्सियम हाइडॉक्साइड सी एच का होल्ड इसको क्या रीड करते हैं सी एच का प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ए एल ओ एच का होल्ड ओके अच्छा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एन एच फोर ओ एच बेरियम हाइड्रोक्साइड तो बी एच का होल वायस कैल्शियम ऑक्साइड सी ए इट्रक्स ऑक्साइड एनओ टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल टू ओ थ्री फेरस ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री अब हम लोग कार्बोनेट देखते हैं तो कार्बोनेट का सीओ थ्री डायनेगेटिव होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो सी सीओ थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट एन ए एच सीओ थ्री सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सीओ थ्री हाइड्रोजन कार्बोनेट एच टू सीओ थ्री अब बागे कार्बन डाइऑक्साइड जो सबको पता है CO2 ओजोन का होता है O3 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सोडियम क्लोराइड NaCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पोटेशियम क्लोराइड KCl ओके अब हम लोग कुछ और यहां पर देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 सिल्वर क्लोराइड AgCl2 एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 नाइट्रोजन N2 अमोनिया NH3 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मीथेन CH4 एथेन C2H6 प्रोपेन C3H8 ब्यूटेन C4H टेन एथिलीन सी एच टू डबुलबुल बी एच टू मेथिल एल्कोहल जिसको कच्चा शराब भी बोलते हैं सी एच थ्री ओ एच एल्कोहल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच या सी टू एच फाइव ओ एच बोलते हैं आइसो एल्कोहल तो सी एच थ्री सी एच थ्री इधर को सी एच ओ एच या ऐसे बोल सकते हैं सी एच थ्री का होल्टवाइ सी एच ओ एच एसीटोन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री एसीटेमाइड सी एच थ्री सी ओ एन एच टू मेथिल एमिन सी एच थ्री एन एच टू एथिल एमिन सी टू एच फाइव एन एच टू यूरिया एलम मतलब फिटकरी जिसे बोलते हैं फिर तो फिटकरी का होता है के टू फोर ए एल टू फोर का होल ट्वेंटी फोर टू टू एसओ फोर एल टू एसओ फोर का एसिड साइनाइड ये हमारा किसी मेथिल ग्रुप से जुड़ा रहेगा एथिल ग्रुप से जुड़ा रहेगा अर्थात कोई एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो साइनाइड का होता है सी एन आइसोसाइनाइट का होता है एनसी क्लोरोफार सी एच सी एल थ्री जिसे सुंघने पर बेहोश हो जाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर सी सिक्स एच सिक्स यदि आप इन फार्मूलों को याद कर लेते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने का मजा ही कुछ निराला हो जाएगा